नमस्कार, ये है एंड टाइम्स। नौ रूपों में प्रकट होने वाली माता रानी की उपासना के नवरात्रि पर्व की अष्टमी की रात माँ कालिका माता मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। नवमी की तड़के सुबह माता के भक्तों ने हाथों में तिरंगा ध्वज और सिर पर कलश लेकर गरबा नृत्य किया। कालिका माता मंदिर में कन्या भोज तथा गरबे का आयोजन हुआ। कालिका माता सांस्कृतिक मंच पर वाइल्ड रिपर्स ग्रुप मुंबई द्वारा डांसिंग नाइट का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कुर्सी को लेकर पार्षद अशोक यादव और सहायक आयुक्त के बीच विवाद भी हो गया था। इधर तेजा नगर क्षेत्र में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी के आतिथ्य में माता रानी की आरती की गई। देर रात तक शहर में गरबा होते रहे। सातरुंडा माताजी मंदिर में कवल का माता भक्त मंडल ने प्रसादी भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रभु सिंह पवार, प्रकाश हेमनानी, विजय सिंह चौहान, राजेश दोई, ओपी तिवारी, जाहिद हुसैन, चेतन राजावत सहित भक्त उपस्थित थे। शक्ति की देवी की भक्ति कर लोग जहां एक तरफ कन्या पूजन और कन्या भोज कर धर्म लाभ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का उपचार अब भी जारी है। इस उपचार में एक मासूम कन्या के शरीर को गर्म तार, जिसे डाम कहते हैं, उससे दाग दिया गया। सिर्फ बुखार आने पर इस 2 साल की मासूम को 7 बार गर्म डाम से दागने पर शरीर झुलस गया है। कन्या पूजन के दिन गर्म तार से दागी गई मासूम रावटी के ग्राम हरथल की रहने वाली है। अंधविश्वास के उपचार से झुलसी मासूम की तबीयत बिगड़ने पर उसे बाल चिकित्सालय लाया गया, जहां ICU में भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। गर्म तार से दागने से भर्ती मासूम के शरीर के कुछ स्थानों की चमड़ी तक जल गई है।
परिजन दाम लगाने का यह उपचार रविवार का बता रहे हैं, तो डॉक्टर यह निशान पुराने होना बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के उपचार से मासूम खतरों में ही रहते हैं। गंदगी की समस्या से परेशान मोहन नगर के रहवासी आगामी नगर निगम चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। नागरिकों ने अपनी पीड़ा आज एएन टाइम से समक्ष व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय पार्षद को जमकर कोसा। मोहन नगर अर्थात ऐसा नगर जहां गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है, यह हम नहीं कह रहे हैं, मोहन नगर के रहवासी खुद कह रहे हैं। रहवासी परेशान है, कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से। पार्षद को सफाई के लिए कई बार बोला, लेकिन आज तक नालियों की सफाई नहीं हुई। रहवासी नालियों में व्याप्त गंदगी से उठने वाली बदबू से परेशान है। घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कचरा वाहन भी समय पर नहीं आते हैं, जिससे कि पूरे मोहन नगर में कचरा इधर उधर फैला हुआ पड़ा रहता है। परेशान रहवासियों का कहना है कि वो अब नगर निगम चुनाव में अपने मतों का उपयोग नहीं कर मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारी ये समस्या है कि नाली कर्मचारी आते ही नहीं है और नाली इतनी फुल हो रही है और इतनी गंदगी हो रही कि गंदा पानी रोड पे आ रहा है और घरों में घुस रहा है, घरों में सीतने आ रही है और हर घर में बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं और मलेरिया टाइफाइड से परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात नल में गंदा पानी आ रहा है नालियों का, और हम कहने जाते हैं कर्मचारियों को तो कर्मचारी हमारे मगजमारी करते, हमसे माथे आते, हमको चिल्ला चोट करते हैं। आपने पार्षद प्रतिनिधि को बोला गया है? बोला, फोन करा तो आते ही नहीं, आगे तो देखा ही नहीं हमको, आज साल हो गए पार्षद आते ही नहीं है। पार्षद फोन करते तो फोन नहीं उठाते, फोन बंद कर। और हर घर में इंसान परेशान हो रहा है, हर घर में बीमारी मिले। और कचरे की गाड़ी वाले को बोलने जाते तो वो भी हमारे ऊपर चिल्ला चोट करता है। 15-15 दिन 20-20 दिन कचरे गाड़ी नहीं आती है तो हम ये गंदगी कहाँ फेंकेंगे आप बताओ? और रोड पे फेंकेंगे तो जनता भी वो है, गंदगी फैलती है। कौन सा मोहल्ला खेला था? मोहन नगर टावर वाली गली, सामने वाली गली में। हर इंसान परेशान है, हर ऐसा आप घर घर जाके पूछ लो, भले कि कोई इंसान परेशान है। संध्या तिवारी, क्या समस्या सब? नाली का पानी सारा घर में घुस रहा है और सारे आने जाने वाले गड्ढे में गिर रहे हैं। गड्ढा किसने खोदा था? खोदा किसने? रोड है ये तो बड़े हुई है वो पानी के कारण। तो पार्षद प्रतिनिधि वगैरह किसी को बोला गया है? सबका बोला गया है, सबको खबर करी गई, लेकिन कोई आता नहीं है यहाँ पे, कोई सुनता नहीं है। नहीं, नगर निगम में आदेश वगैरह सब दिया है, हर 8 दिन में दादा के बोलते, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और फिर सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे दवाइयाँ तो छिड़की गई, क्या पता कितने बिल लगाएंगे ये दवाइयों के, पता नहीं, लेकिन बहुत बुरी हालत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वार्ड से अगर मोहन नगर की जनता मुझे सुन रही है, स्पष्ट रूप से मोहन नगर की जनता अगर मुझे सुन रही है, तो इस वार्ड से वोट मतदान का बहिष्कार सभी करेंगे जब तक कि नालियां साफ नहीं हो जाती, नालियों में से गाद नहीं निकल जाती। गाद नहीं निकलेगी, चुनाव नहीं होंगे, ये स्पष्ट रूप से कह दूं मैं। और पार्षद प्रतिनिधि भी सुन ले मेरी बात कान खोल के, क्योंकि बहुत हो गया, 4 साल हमने बहुत धक्का लिया, अब पब्लिक साथ में नहीं आएगी, किसको चुनेगा, किसको चुनेगी पब्लिक? कश्यप जी अभी मीटिंग है उनकी शायद यहाँ चौराहे पे, आएंगे वो, आएंगे चौराहे से भाग जाएंगे वो, उनको पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कचरा कहाँ फैल रहा है, गंदगी कहाँ फैल रही है। अभी कश्यप जी आएंगे तो क्या आप उनके पास जाएंगे? विचार तो है, धरना प्रदर्शन का हमारा विचार है वहां पे जाने का, उनको हमारा ज्ञापन देने का विचार है। एक बार कलेक्टर के पास जाएंगे हम, निर्वाचन अधिकारी जो है, हम चुनाव का बहिष्कार करना है इस बार पूरी तरीके से, बस एक ही डिमांड है हमारी, यहाँ पे टोटल नाली जितनी भी है साफ हो, गाद निकाली जाए वहां से। और मेरी मोहन नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आज पब्लिक खड़ी हुई है तो बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, धन्यवाद।
जावरा के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चलाने की कला देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह व्यक्ति उल्टा बैठकर मोटरसाइकिल चलाता है, वह दोनों हाथ छोड़कर अर्थात हैंडल नहीं पकड़ता है। कहते हैं कुछ लोग अपने जीवन में कुछ हट के करने के शौकीन होते हैं, उनका यह शौक उन्हें चर्चित भी बना देता है। जब व्यक्ति फेमस होता है तब उम्र भी कभी आड़े नहीं आती है। ऐसे अजब गजब कारनामों के लिए फेमस हुए इस व्यक्ति की उम्र 50 साल है। व्यवसाय कृषि, लेकिन जज्बा और शौक युवाओं वाला। आप खुद इनके कारनामों को देख हतप्रत रह जाएंगे। यह रतलाम के जावरा के निवासी किशोर विजवा, जिनके दुपहिया वाहन पर किए जाने वाले कारनामे देखकर आप खुद चकित रह जाएंगे। जी, किशोर विजवा बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हैं। वो चलती हुई बाइक पर वो सब करते हैं जो आप घर पर करते हैं। वो चलती हुई बाइक पर बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़कर दोनों कानों में लगाकर बात कर सकते हैं। वो बाइक पर सीधे उल्टे सहित कैसे भी बैठकर आराम से वाहन चलाते हैं। किशोर ये सब बाइक स्टंट हाईवे पर ही करते हैं। उनको हाईवे पर स्टंट करते देख लोग उनके वीडियो भी बनाते हैं। उनके स्टंट वाले वीडियो यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। करीब 8 साल पहले सीखे यह स्टंट किशोर केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। उन्हें 2 बार स्टंट करते हुए चोट भी लग गई। हम भी आपसे इस तरह के स्टंट नहीं करने की सलाह ही देंगे, क्योंकि इस तरह के स्टंट करने के दौरान जान को खतरा हो सकता है। मैं पिछले 7-8 साल से बाइक को स्टंट कर रहा हूँ। काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना होता था तो मैं कभी इनका कुछ नया करते हैं तो कभी एक हाथ छोड़कर फिर कभी दोनों हाथ छोड़कर वैसे धीरे धीरे करते मैं बैलेंस बना सीख गया था। जो पीछे मुड़ के बैठ जाता हूँ, दोनों टांगे एक तरफ करके बैठ जाता हूँ और हाईवे पर गाड़ी चलाने का शौक। अधिकतर आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें किन किन लोगों ने आपके वीडियो को शेयर किया है? काफ़ी सुनने में आया है कि आपके वीडियो लाखों की तादाद में एक एक ग्रुप में देखे जा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मेरे वीडियो बाइक स्टैंड के कई जगह वायरल हो रहे हैं और बड़ी जगह से भी इसको जो है लोगों ने शेयर किया है। जैसे कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के निर्माता निर्देशक अशित कुमार जी मोदी ने भी इसको न्यूज़ तक पर शेयर किया है और कपिल शर्मा के जो शो हैं उनके संचालक कपिल जी ने भी इसको फेसबुक पर शेयर किया है और मुंबई करण सेना के अध्यक्ष जगदीश जी भणुजा ने भी जब इधर मिले थे, वो उन्होंने मुझे देखा था स्टंट करते तो मुझे रोक कर कहा था कि मुंबई में आपको सम्मान करूँगा। और इसके अलावा कई लोगों ने इसको जो है फेसबुक यूट्यूब पर जो है शेयर किया हुआ है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं और मतलब सबसे ज़्यादा आपको वही गाड़ी क्यों पसंद है, ये कौन सी गाड़ी है? मैं वैसे तो स्टंट किसी भी गाड़ी पे बाइक पे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास चूँकि पल्सर है तो मैं अधिकतर उसी पे करता हूँ। बुलेट थी तो मैंने उस पर भी किया है और हीरो की गाड़ी थी पैशन प्लस तो उस पर भी किया है। राज्य में ट्रांसपोर्ट हड़ताल की खबर के बीच पेट्रोल पंप की हड़ताल की खबर फैलने के बाद शहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने वालों की भीड़ लग गई है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने अपने वाहनों में रूटीन से कुछ ज्यादा ही पेट्रोल भरवा लिया है। रतलाम शहर में करीब 1 दर्जन पेट्रोल पंप है। सोमवार को इन सभी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ रही। यह भीड़ अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए आए लोगों की थी। पेट्रोल पंप पर आए लोगों का कहना था कि उन्हें पेट्रोल पंपों की हड़ताल की सूचना मिली है, जिस वजह से हड़ताल के दौरान परेशानी न हो इसलिए आज ही वाहनों में पेट्रोल टंकी फुल करवा ली है। इन लोगों को आशा भी है कि हड़ताल 1-2 दिन में समाप्त भी हो जाएगी। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उनके पास रिजर्व स्टॉक है और फिलहाल पेट्रोल पंपों की कोई हड़ताल नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल होने से पेट्रोल डीजल आने में परेशानी हो सकती है, लेकिन जब तक उनके पास स्टॉक है पेट्रोल डीजल वितरित किया जाएगा। पेट्रोल भरवाने आप आए, क्या तुम क्या है? ऐसा लगा था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा हड़ताल है, इसलिए हम पेट्रोल भरवाने आए ताकि कभी 2-3 दिन पेट्रोल नहीं मिले तो काम चलता रहे, रुके नहीं। अच्छा, आप रूटीन पेट्रोल कितना भरवाते हैं और आज का ज़्यादा भरवाया? नॉर्मली 100 का भरते हैं, अभी हम फुल टैंक करा क्या लग रहा है हड़ताल है कि नहीं पता चला? कुछ कह नहीं सकते।